और विधानसभा विस्फोटक मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है, तो हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। मार्शल मनीष चंद्रा ने एफआईआर दर्ज कराई है। एपीसी की धारा 121 ए 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तो विधानसभा विस्फोटक मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मार्शल मनीष चंद्रा ने एफआईआर दर्ज कराया है। एपीसी की धारा 121 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तो हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। मार्शल मनीष चंद्रा ने एफआईआर दर्ज कराई है। आईपीसी की धारा 121 और 120 के बी के तहत धारा दर्ज की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है। तो लगातार बता रहे हैं, विधानसभा विस्फोटक मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। आईपीसी की धारा 121 से 120 बी में धारा में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो आज आपको बता दें कि विधानसभा में पीईएनटी नाम का विस्फोटक पाया गया था, जिसमें विधानसभा में हलचल मच गया था। साथ ही अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनआईए से जांच की बात कही है कि एनआईए पूरे मामले की जांच करेगी। साथ ही अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। और अनूप चौधरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर चुके हैं। अनूप, हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, विधानसभा के मार्शल हैं मनीष चंद्र जी हैं, उनकी जो है तहरीर पर हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 120 बी के धाराएं, तमाम धाराएं हैं जो विस्फोटक अधिनियम है उसके तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हालांकि जो एफआईआर दर्ज हुई अभी अज्ञात में दर्ज हुई है, अब पुलिस मामले की जांच करेगी और जो विधानसभा के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज थे और तमाम बातें थी कि आखिर वो विस्फोटक वहां कैसे गया, किन हालात में गया, ये सारी जांच चल रही है। फिलहाल अज्ञात के खिलाफ जो है संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और षड्यंत्र रचने का भी धाराएं लगी हुई है, उन धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि पुलिस में मुकदमा दर्ज कर चुकी है, अब मामले की जांच करेगी। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बिल्कुल अनूप, एक गंभीर मामला है और एक बड़ी चूक भी है विधानसभा के अंदर विस्फोट मिलना। बिल्कुल, जिस तरह से उच्च मारक क्षमता का विस्फोटक विधानसभा के अंदर मिला है, सदन के अंदर मिला है, एक बहुत बड़ी चूक थी। कुछ भी बड़ा, कोई बड़ा भी हादसा हो सकता था। हालांकि एक बड़ी घटना होने से बची और समय रहते हुए उसको डिटेक्ट कर लिया गया और पकड़ में आ गया। अब जब जांच हुई तो ये भी खुलासा हुआ कि वो उच्च मारक क्षमता का विस्फोटक था और खुद मुख्यमंत्री ने सुरक्षा को लेकर एक बैठक की थी, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और विधानसभा की सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही इस मामले में मुख्यमंत्री खुद सख्त हो चुके थे, इस वजह से मार्शल ने भी इस मामले में तेजी दिखाई और मार्शल ने तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच की बात कर रही है। बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। मार्शल मनीष चंद्रा ने एफआईआर दर्ज कराई है। आईपीसी की धारा 121 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।